जल्दी करो भाई, सुबह पनवेल निकलना है। अरे कैमरा तो लेना यार। तो गाइस, हमारा नया अवतार कैसा लग रहा है बताएंगे जरा। बहुत गर्मी से लग रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था कि गला घुट गया। तो चलिए काम की बात पे आ जाते हैं गाइस। सबसे पहले वेलकम सभी का, आप सबका। और आज हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं दो चीज़ों में, दोनों एक ही सिमिलर कैटेगरी की चीज़ है। वो है ड्रोन्स की फ्रेम, जो आप बाय भी करते हैं एंड आप चाहे तो बना भी सकते हैं। तो हमारे पास ये रहे दोनों हाथों में फ्रेम। कहाँ गया? हाँ, अभी ठीक है। तो गाइस, इन दोनों फ्रेम्स के अंदर हम लोग डिफरेंस करेंगे। गाइस ये देखिए, ये फ्रेम वो है जो कंपनीज की तरफ से बन के आता है और ये फ्रेम हमने बनाया। इनके दोनों की क्वालिटी कैसी होती है, बिल्ड क्वालिटी, उस पर बात करेंगे। कितने रुपए में बन जाते हैं, कितना ज़्यादा रिलायबल है दोनों, तो बेसिकली डिफरेंस और हर एक चीज़ बताएंगे। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इस वाले ड्रोन के फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये बेसिकली एक ABS प्लास्टिक का फ्रेम होता है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे होल्स दे रखे हैं। बेसिकली इनको होल्स ही कहेंगे, वैसे लोग इनको डिज़ाइन कहते हैं, लेकिन इन चीज़ों का एक पर्पस होता है। ये क्या करते हैं, ये डिज़ाइन इसके अंदर फ्रेम के अंदर जो है आपका वेट को रिड्यूस करते हैं। और जब ये ड्रोन हवा में उड़ता है तो जो एयर प्रेशर ऊपर से पड़ रहा होता है आपका, तो इन एयर्स के इन होल्स के थ्रू निकल जाता है। तो गाइस ये डिज़ाइन जो है एक बेसिकली साइंटिफिक है। कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं कि कहीं से भी करके दे देते हैं, नहीं, ऐसा इशू नहीं। लेकिन फिर भी इस आप फ्रेम का वेट देखेंगे तो करीब करीब ये 280 से 300 ग्राम तक के वेट में आता है। अभी बात करते हैं हमने जो होम मेड फ्रेम बनाया है। गाइस होम मेड फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम लगाया हुआ है। एक एल्यूमिनियम का मैं एडवांटेज आपको बताता हूँ, ये अगर क्रैश होगा तो ये टूट जाएगा, बट ये क्रैश होने पर टूटता नहीं है, बैंड हो सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। तो इफ इन केस अगर ये क्रैश होके टूट जाता है देन आपका कंपोनेंट कहीं भी भाग सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा तेज गिरने के बाद चीज़ें स्कैटर होती हैं, आप समझ रहे होंगे बात को। और यहाँ पे अगर ये मुड़ेगा टूटेगा नहीं, तो चीज़ कितना भी ज़्यादा तेज गिर रहा है लेकिन इसी के साथ बंधी रहेगी, मतलब तरीके से जुड़ी रहेगी। तो गाइस इस चीज़ में इस चीज़ का एक फ़ायदा है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी मैं आपको बताऊं। जो इस तरीके का डिज़ाइन आपको इस फ्रेम में मिल रहा है, यहाँ पे जो आप फोर्स देख रहे हैं, वो इसमें नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे एयर फोर्स लग रहा है तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज इस फ्रेम को उठाना पड़ता है कि यहाँ पे कंप्लेक्ट आ जाए। लेकिन यहाँ पे भी हमने एक चीज़ का सोल्यूशन निकाला है, वो ये है कि इसका लाइट वेट होना। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 160 to 180 ग्राम्स का फ्रेम होता है। इसके कंपैरेटिवली ये इसका 60 to 70% होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे फ्लाइट टाइम भी आपका इसके साथ इंक्रीज हो जाता है। और एक मज़े ही गाइस बात बता दूँ, अगर इसका फ्रेम का अगर ये एक आर्म टूटेगा तो आपका कितने से क्या सोचते हैं कितने में बनेगा? तो ये आम एक जो आता है आपका बेसिकली 200 रुपीज़ का आता है मार्केट के अंदर, लेकिन इसका अगर जो ये पूरा ही टूटेगा तो पूरा ही 200 रुपीज़ में बन जाता है। तो है ना कमाल की चीज़। तो गाइस सबसे बढ़िया अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए एंड अपना फ्रेम बनाइए, और सबसे बढ़िया चीज़ यही है आपके लिए, पैसे बचाइए और क्रिएटिविटी दिखाइए, क्योंकि यही चीज़ों पर आजकल दुनिया टिकी हुई है। तो गाइस ये था इन दोनों को कंपेयर करने का मेरा असली मोटिव। एंड आगे इस वीडियो के पार्ट वन में आप जाके देख सकते हैं कि इस फ्रेम को कैसे बनाना है, और जल्दी इसके आगे के पार्ट्स भी आने वाले हैं गाइस। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड स्टफ। और आज आपको मेरा वाइन दिख रहा होगा, उसकी कमी कर दी है बिकॉज अभी उसका एग्ज़ाम है तो आज वो पढ़ रहा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।